जय हिंद दोस्तों। आजकल तो ODI मेंस क्रिकेट में दोहरे शतक लगाने वालों की होर मची हुई है। कब कौन सा प्लेयर विकराल बन जाए, गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर मारे तो ये पता ही नहीं चलता। खैर, रोमांस तो बहुत आता है दोस्तों। आज के वीडियो में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज के साथ यह भी जानेंगे कि 200 रन बनाने के लिए यानी कि दोहरे शतक बनाने के लिए किस बल्लेबाज ने कितनी गेंदें खेली। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। भारत का उभरता हुआ सितारा ईशान किशन, जिन्होंने साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में मात्र 126 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा छू लिया। उस मैच में उसने 210 रन की पारी खेली जिसमें 23 चौके और 9 छक्के मारे। एक है वेस्ट इंडीज का धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल, जिन्होंने 200 रन का आंकड़ा छूने के लिए मात्र 138 गेंदें खेली। उन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कैनबरा में 215 रन की पारी में 9 चौके और 16 छक्का जड़ा। अगला है भारत का वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने 2011 में इंदौर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 140 गेंदों में 200 रनों का आंकड़ा छुआ। 219 रनों की पारी में वीरेंद्र सहवाग ने 23 चौके तथा 6 छक्का लगाया। अगला है भारत का शुभमन गिल, हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 145 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा छुआ। हैदराबाद में हुए इस मैच में 208 रनों की पारी के दौरान 19 चौका तथा 9 छक्का लगाया। अगला है भारत का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में तो हर कोई जानता है। खैर, वनडे में दोहरे शतक की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इसने 200 रनों की पारी खेलने के लिए 147 गेंदों का सहायता लिया। 2010 में वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन की पारी में इसने 25 चौके तथा 3 छक्का जला। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इस सूची में पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान के फखर जमा ने मात्र 148 गेंदों में 200 रनों का आंकड़ा छुआ। उसने बुलावायो में 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 210 रनों की नाबाद पारी में 24 चौके और 5 छक्का लगाया। अगला नाम है भारतीय के तेजस्वी कप्तान रोहित शर्मा की। इसने वनडे में तो 3-3 बार दोहरा शतक लगाया और 2 बार संजोग ऐसा रहा कि मात्र 151 गेंदों में 200 रनों का आंकड़ा छुआ। पहली बार श्रीलंका के खिलाफ 2014 में कोलकाता में 264 रनों की पारी में 25 चौके और 6 छक्के लगाया और दूसरी बार भी श्रीलंका के खिलाफ ही मोहाली में 208 रनों की नाबाद पारी में 13 चौके और 11 छक्का लगाया। और तीसरी बार रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में 156 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा छुआ और कुल 209 रनों की पारी में 12 चौके और 15 छक्का लगाया। अगला है न्यूजीलैंड का मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने 152 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा छुआ। 2015 में वेलिंगटन में हुए इस मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुल 237 रनों की नाबाद पारी में 21 चौके और 8 छक्का लगाया। तो दोस्तों, आपको इस दोहरे शतक के बारे में जानकारी पहले से तो नहीं होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट कर दें।